वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन एक्सरसाइज का, इज़ द फंक्शन डिफाइंड बाय जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर टू प्लस मोड ऑफ एक्स बाउंडेड ऑन आर। बाउंडेड का मतलब होता है कोई फंक्शन बाउंडेड कब होता है, वो पहले तो उस इंटरवल पे कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस होगा तो वो बाउंडेड भी होगा। पहले हमने क्या प्रूफ करना है, ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है। अगर हमारे पास ये कंटिन्यूस होगा तो ये बाउंडेड भी होगा। और हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस हो, इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस, हमारे पास कंडीशन क्या होती है, इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल, एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी, देन एफ इज़ बाउंडेड ऑन ए बी। अब हमने क्या प्रूफ करना है, अब हमारे पास फंक्शन है जो गिवन है, हमने इसको बाउंडेड प्रूफ करना है। बाउंडेड प्रूफ करने से पहले हमें प्रूफ करना होगा ये फंक्शन जो है आर के ऊपर जो है कंटिन्यूस है। तो हमारे पास जो आर है वो क्लोज भी है, बाउंडेड भी है। जो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं ये क्लोज भी हैं, बाउंडेड भी हैं। आर हमारे पास क्लोज भी है, बाउंडेड भी है। अब हम इस फंक्शन को कंसिडर करते हैं। ये हमारे पास दो फंक्शन है, हमारे पास एक फंक्शन है टू, वो हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है। दूसरा है हमारे पास एब्सोल्यूट फंक्शन, या जिसको हम मोड ऑफ एक्स भी कहते हैं। हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है, मोड ऑफ एक्स भी हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो इन दोनों का सम भी हमारे पास कंटिन्यूस होगा। हम लोगों ने क्या कहना है कि एफ ऑफ एक्स हम कह देते हैं, इसमें एफ ऑफ एक्स कह देते हैं टू को, वो कांस्टेंट फंक्शन है। Which is continuous, जो कि हमारे पास continuous होता है। Next है हमारे पास, हम इसको h of x कह देते हैं, वो हमारे पास है mod of x, ये है absolute value function। ये भी हमारे पास क्या होता है, which is continuous। ये भी हमारे पास कंटिन्यूस होता है। तो हमारे पास टू प्लस या एफ ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स जब हम फाइंड करेंगे तो वो आएगा टू प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा जीओ, नहीं, ये भी हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स भी हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस है। अगर ये कंटिन्यूस है तो वन ओवर टू प्लस एच मोड ऑफ एक्स, जिसको हमने जी ऑफ एक्स कहा हुआ है, ये भी इज आल्सो कंटिन्यूस। आर हमने किया क्या है, हमारे पास जी ऑफ एक्स था टू प्लस मोड ऑफ एक्स, हमने टू लिया, टू हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस होता है। फिर हमने एब्सोल्यूट ऑफ एक्स लिया, एब्सोल्यूट ये जो मोड ऑफ एक्स है वो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है, ये भी कंटिन्यूस होता है। अगर ये दोनों कंटिन्यूस हैं तो इनका सम भी कंटिन्यूस होगा और इनका जो कोशेंट है वो भी कंटिन्यूस होगा। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये कंटिन्यूस है। अब हमने क्या प्रूफ करना है कि ये बाउंडेड भी है। बाउंडेड के लिए हम क्या देखेंगे, हम बाउंडेड के लिए देखते हैं हमारे पास जो होता है मोड ऑफ एक्स जो होता है वो ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो होता है। अगर मैं दोनों साइड पर टू ऐड कर दूँ, टू प्लस मोड ऑफ एक्स, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल टू टू होगा। अब अगर मैं इनका क्वेश्चन लेती हूँ तो वन ओवर टू प्लस मोड ऑफ एक्स आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू वन ओवर टू। तो हमारे पास क्या आ गया, ये वाली वैल्यू जो है मोड ऑफ एक्स वाली जो है, ये वाली सारी वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, क्योंकि इसका आंसर टू प्लस है, टू प्लस समथिंग है, तो वन पे डिवाइड करेंगे लेकिन जीरो से फिर भी बड़ा आएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं। तो जब पॉजिटिव वैल्यू वन से डिवाइड होगी तो आंसर हमारे पास जीरो से बड़ा ही आएगा। तो ये हमारे पास आ गया एक्स की मोड ऑफ एक्स जीरो से बड़ा आ रहा है और लेस देन और इक्वल टू वन ओवर टू आ रहा है। तो बाउंडेड फंक्शन क्या होता है, जिसका लोअर बाउंड भी हो और अपर बाउंड भी हो। तो लोअर बाउंड हमारे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जीरो है और लीस्ट अपर बाउंड क्या है, वन है। तो ये फंक्शन की सारी वैल्यूज जो हैं, सॉरी, ये है हमारे पास वन ओवर टू प्लस मोड ऑफ एक्स। इस फंक्शन की सारी वैल्यूज़ वन ओवर टू से छोटी आएंगी और ज़ीरो से बड़ी आएंगी। तो इस फंक्शन की सारी वैल्यूज़ ज़ीरो से बड़ी आएंगी और वन ओवर टू से छोटी आएंगी। तो इसका लोअर बाउंड जो है वो ज़ीरो आ रहा है और अपर बाउंड हमारे पास क्या आ रहा है, वन ओवर टू। तो ये फंक्शन हमारे पास बाउंडेड भी होगा।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मस्ट अ फंक्शन बी कंटिन्यूअस इन ऑर्डर टू बी बाउंडेड ऑन एन इंटरवल। अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि वो कंटिन्यूअस होगा अगर वो बाउंडेड है, यानी अगर एक फंक्शन जो है वो बाउंडेड है किसी इंटरवल पे, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि जो हमने देखा जो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो वो बाउंडेड ज़रूर होता है। अब हमने चेक करना है कि अगर फंक्शन बाउंडेड है तो क्या वो कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। अब हम एक फंक्शन ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम ले लेते हैं ब्रैकेट ऑफ एक्स, और एक्स ले लेते हैं हम लोग 1 से लेके 3 तक। अब ब्रैकेट ऑफ एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 से लेके 3 तक ले रही हूँ तो ये हमारे पास वैल्यू कैसे आएंगी, ये होता है 0 आएंगी जब एक्स की वैल्यू 0 से या 1 से छोटी है। एक्स की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन 1, और ये आता है 1 व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 1 लेस देन 2, और फिर हमारे पास ये आता है 2 एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 2 लेस देन 3, एक्स इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 3 लेस देन हमारे पास आ जाए 4, तो ये आएगा 3। अब हमारे पास फंक्शन जो है वो 1 से शुरू हो रहा है और 3 तक है, तो 1 पे आंसर हमारे पास 1 आ रहा है, और उसके दरमियान में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं 1 से लेके 2 तक के तो 1 आ रहा है, फिर 2 से लेके 3 से लेस वाले जितने भी नंबर्स हम लेंगे तो आंसर 2 आएगा, तो अब 3 से 4 तक जितने भी नंबर्स लेंगे आंसर हमारे पास 3 आएगा। लेकिन हमारे पास सिर्फ 3 तक ही है नंबर्स, क्योंकि ये इंटरवल 1 से 3 तक है, तो इसकी रेंज हमारे पास क्या आएगी, सिर्फ 3 आएगी। तो हमारे पास इसकी रेंज कैसे आएगी, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 1, 2, 3, ये हमारे पास डोमेन है इसकी। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास है ब्रैकेट ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू डोमेन हमारे पास है 1 से लेके 3 तक, तो हमारे पास इसकी रेंज क्या आएगी, सिर्फ 1, 2 और 3, ये 3 नंबर्स आएंगे, ये हमारे पास इसकी रेंज आ रही है। अब हम देखते हैं इसके लोअर बाउंड्स कौन कौन से हैं। सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ एफ इज इक्वल टू, सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स क्या होंगे, 1 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक सारे इसके लोअर बाउंड्स होंगे, तो इसका मतलब है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स, सारे इसके अपर बाउंड्स हमारे पास कौन कौन से हैं, हमारे पास अपर बाउंड्स हैं इसके 3 है, तो 3 से ऑनवर्ड हमारे पास 3 से लेके इन्फिनिटी तक, तो इसमें लीस्ट अपर बाउंड हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी है, लीस्ट अपर बाउंड भी है, तो इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो बाउंडेड है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास इज बाउंडेड फंक्शन है, बाउंडेड ऑन 1, 2, 3। अब हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या था, फंक्शन अगर बाउंडेड है तो क्या वो कंटिन्यूस भी होगा या नहीं। अब हमने देखा कि ये फंक्शन जो है हमारे पास बाउंडेड है, अब हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है या नहीं। कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं 2 पे, कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे हम चेक करते हैं ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो कंटिन्यूस फंक्शन कब होता है, जब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ x उसकी लिमिट और ब्रैकेट ऑफ ये फंक्शन जो 2 पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो सेम होनी चाहिए। 2 पे ब्रैकेट फंक्शन की हमने वैल्यू देखी है, जब x की वैल्यू 2 है तो f मोड ऑफ x या ब्रैकेट ऑफ x किसके इक्वल आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा है, तो हमारे पास जो ब्रैकेट ऑफ x है वो हमारे पास ब्रैकेट ऑफ 2 है, यानी कि 2 की ब्रैकेट वैल्यू हमारे पास 2 है। अब अगर इस फंक्शन की जो लिमिट है 2 पे वो भी 2 के इक्वल आ जाती है तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। अब लिमिट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ x फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट होगी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस एफ ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस ब्रैकेट ऑफ x। अब जब 2 माइनस का मतलब है x जो है वो 2 से लेस है, तो x जब 2 से लेस है तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है, ब्रैकेट ऑफ 1 यानी कि आंसर जो आ रहा है वो 1 आ रहा है। ये फंक्शन ये वाली जो वैल्यू हमारे पास कब आ रही है, जब x की वैल्यू 1 से लेके
वन से बड़ी और या इक्वल है, लेस देन टू है, तो अब हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है ये भी लेस है टू से, तो हम यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या पुट करेंगे, वन पुट करेंगे, तो आंसर हमारे पास वन आएगा। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू प्लस ब्रैकेट ऑफ एक्स। अब टू प्लस का मतलब है एक्स जो है वो टू से बड़ा है, जब एक्स टू या टू से बड़ा है तो तब फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, टू आ रही है। तो अब हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू प्लस टू आ रही है, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, टू आ रहा है। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आ रही है, सेम नहीं आ रही, तो इसकी लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट। और लिमिट ही अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो हमारे पास फंक्शन क्या होता, कंटिन्यूस नहीं होता। तो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स जो है ब्रैकेट ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस, ऑन वन टू थ्री, ये फंक्शन हमारे पास बाउंडेड था लेकिन कंटिन्यूस नहीं है।